हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं वार्षिक परीक्षा पेपर 2022 विषय विज्ञान के लिए टॉप वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि आपका पेपर है 2 मार्च को होने वाला है। तो इसमें दिए गए सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है और इन सभी प्रश्नों के आंसर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे। इसलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 2 अंक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो 2 अंक में आपसे कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थात 20 अंक में आपसे 2 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि सभी को इसका बेनिफिट हो सके। तो यहाँ पर प्रश्नांक 1 है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद प्रश्नांक 2 है, वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 3 है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण लिखिए। इसके बाद प्रश्नांक 4 है, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में एक अंतर लिखिए। इसके बाद प्रश्नांक 5 है, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में 2 अंतर लिखिए। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 6 है, भौतिक गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में 2 अंतर लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद प्रश्नांक 7 है, सक्रियता सरणी किसे कहते हैं। इसके बाद प्रश्नांक 8, डोवे राइनर के वर्गीकरण की 2 सीमाएं लिखिए। इसके बाद प्रश्नांक 9 है, यहाँ पर न्यूलैंड का अष्टक नियम की 2 सीमाएं लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 10 है, ऐसे 4 तत्वों के नाम लिखिए जिनके बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसी तरह आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द उपलब्ध करा दिए जाएंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए, ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। इसके बाद प्रश्नांक 11 है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 12 है, अमीबा में पोषण की प्रक्रिया किस प्रकार पूर्ण होती है। इसके बाद प्रश्नांक 13 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्वपोषी एवं विषम पोषी पोषण की परिभाषा लिखिए। इसके बाद प्रश्नांक 14 है, पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस चित्र को आपको एक बार बनाकर जरूर देख लेना है। इसके बाद प्रश्नांक 15 है, मनुष्य के मादा जनन का नामांकित चित्र बनाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 16 है, मनुष्य में संचारित होने वाले 2 विषाणु जनित यौन रोगों के नाम लिखिए। इसके बाद प्रश्नांक 17 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्वपरागण एवं परपरागण में 2 अंतर लिखिए। इसके बाद प्रश्नांक 18 है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 19 है, प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं। इसके बाद प्रश्नांक 20 है, आनुवंशिकता किसे कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 21 है, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण के प्रकार बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 22 है, कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करते समय अपना पथ क्यों मोड़ लेती है। इसके बाद प्रश्नांक 23 बहुत ही महत्वपूर्ण है, विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है। इसके बाद प्रश्नांक 24,
विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा लिखिए। इसके बाद प्रश्नांक 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। इसके बाद प्रश्नांक 26 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के कोई दो कारण लिखिए। इसके बाद प्रश्नांक 27 खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल में कोई दो अंतर लिखिए। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 28 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव समझाइए। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 29 है, अम्ल वर्षा क्या है और कैसे होती है लिखिए। इसके बाद प्रश्नांक 30 है, पारितंत्र में कितने प्रकार के घटक होते हैं नाम लिखिए। तो इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों में से आपके पेपर में 50-60% क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसलिए सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद हम 3 अंक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो 3 अंक के आपके कुल 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, अर्थात 12 अंक में आपसे 3 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर प्रश्नांक 1 है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया के 3 उदाहरण दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 2 है, विकृति गंधिता किसे कहते हैं, खाद्य पदार्थों को इससे बचाने हेतु कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 3 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है। इसके बाद प्रश्नांक 4 भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 5 है, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को चित्र द्वारा समझाइए। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 6 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष क्या है, इसके कारण और निवारण के साथ चित्र भी बनाइए। इसके बाद प्रश्नांक 7 है, यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 8 है, जीवाश्म ईंधन से होने वाली हानियाँ लिखिए। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 9 है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई 3 गुण लिखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद प्रश्नांक 10, किसी क्षण चुम्बक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। तो इस प्रकार से यह आपके 3-3 अंक के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएंगे, इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद हम 4 अंक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो पेपर में आपसे 4 अंक के कुल 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, यह आपके 16 अंक में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर प्रश्नांक 1 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसको आर्द्रतारोधी बर्तन में क्यों रखना चाहिए, इसके 2 उपयोग लिखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 2 है, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा का सूत्र लिखते हुए दोनों के 2 प्रमुख उपयोग लिखिए। इसके बाद प्रश्नांक 3 है, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन उदासीन होता है परंतु सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है, क्यों। इसके बाद प्रश्नांक 4 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अपररूपता किसे कहते हैं, कार्बन के 2 अपररूपों के नाम एवं उपयोग लिखिए। इसके बाद प्रश्नांक 5 है, यहाँ पर श्रृंखलन किसे कहते हैं, कार्बन में श्रृंखलन को उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 6 है, संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन में क्या अंतर होता है, दोनों के 1-1 उदाहरण दीजिए। इसके बाद प्रश्नांक 7 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, धमनी एवं सिरा में कोई 4 अंतर लिखिए। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 8 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वायवीय श्वसन या इसी को हम आक्सी श्वसन भी कहते हैं एवं अवायवीय श्वसन अर्थात अनाक्सी श्वसन में अंतर लिखिए। यह क्वेश्चन आपको इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि वायवीय श्वसन एवं अवायवीय श्वसन में अंतर लिखिए, या फिर आपको इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि आक्सी श्वसन एवं अनाक्सी श्वसन में अंतर लिखिए। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 9 है,
मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद प्रश्नांक 10 है, यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके नियम लिखिए। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 11 है, स्नेल का नियम लिखिए और चित्र सहित व्याख्या कीजिए। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 12 है, समतल दर्पण द्वारा किसी बिंब के बनाए गए प्रतिबिंब की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। तो इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। और इसी तरह आपको सभी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस, अर्थात जो कि आपको 32 अंक में पूछे जाते हैं, चैनल के माध्यम से जल्द से जल्द उपलब्ध कराए जाएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए, ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।